गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने लोगों से अपील किया है कि नगर निगम के द्वारा संपूर्ण महानगर के समस्त मुख्य मार्गों से लेकर गलियों तक में वृहद महाअभियान के तहत सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति सैनिटाइजेशन के नाम पर पैसे मांगता है तो ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहे और यदि इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त हो तो तत्काल वार्ड के सुपरवाइजर एवं नगर निगम के हेल्पलाइन नंबरों पर सूचित करें। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को सैनिटाइजेशन का कार्य कराना है तो सीधे नगर निगम द्वारा जारी किए गए नंबर 0551234261 टोल फ्री नंबर 1800180345 एवं 0551233695 मोबाइल नंबर 7311180390 दर्ज करा सकते हैं। नगर निगम द्वारा उनके वहां निशुल्क सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इस प्रकार की धन उगाही का कार्य कर रहे हैं उनके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई नगर निगम द्वारा की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, मैं सभी नगरवासियों से विनम्रतापूर्वक ये अनुरोध करना चाहूंगा कि जब भी वो घर से बाहर निकले तभी घर से बाहर निकले जब उनको घर से निकलना अति आवश्यक लग रहा हो, अन्यथा की स्थिति में वो घर में ही रहें। और अगर बाहर निकलना पड़ता है तो बाहर निकलते समय कोविड प्रोटोकॉल का आवश्यक रूप से उसका पालन करें, मास्क अवश्य लगाएं और जब बाहर जाएं तो जिस जो व्यक्ति से बात करें 2 गज की दूरी का अवश्य पालन करें। कहने का आशय है कि अगर आप कोविड का जो प्रोटोकॉल बताया गया है उसका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना के संक्रमण से आप बचे रहेंगे। और इसके साथ ही साथ यह भी मैं सभी शहरवासियों से अपील करना चाहूँगा कि अगर पूरे 17 वार्ड में पूरे शहरी क्षेत्र में कहीं पर भी शहरी क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्र कहीं पर भी कोई भी सैनिटाइजेशन के लिए कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के पैसे की मांग करता है तो अगर जहाँ पर भी इस प्रकार की मांग की जा रही है उसको वो लोग रोक कर अपने पास बैठा लें और तत्काल ही जो हमारे 2 कंट्रोल रूम हैं दोनों कंट्रोल रूम में जो नंबर बताए गए हैं उन पर सूचना दे दें। हमारी टीम तत्काल वहां पहुंचेगी और ऐसे व्यक्तियों को अपने कब्जे में लेकर उनको तत्काल संबंधित थानाध्यक्ष के माध्यम से उनको जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही साथ कुछ अगर कोई भी व्यक्ति जो हमारे अंत्येष्टि स्थल राजघाट पर जा रहे हैं और कोविड से मृत हुए हैं लोग हैं उनसे भी अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ पर किसी प्रकार का पैसे की डिमांड करता है तो उसकी सूचना तत्काल कंट्रोल रूम पे दे। वहाँ पर हमारे जो टास्क फोर्स के अधिकारी बैठे हुए हैं, सिपाही बैठे हुए हैं, उनको सूचना दे। हमारे इंस्पेक्टर्स हैं, हमारे जेई हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं उनको तत्काल सूचना दे। तत्काल वो लोग इस पर जो है कार्रवाई करेंगे और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।